हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। StudyIQ में शुरू करते हैं एक नए महीने का आगाज़। एक नया महीना जब भी आता है एक नई उम्मीद लेके आता है, एक नई उम्मीद की किरण। और परसों जिन लोगों का यूपीएससी का एग्ज़ाम है संडे को, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। एक नया साल हम शुरू करते हैं यूपीएससी के लिए और बाकी एग्ज़ाम के लिए भी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IBPS, हमारा जो चैनल है लगभग 37 एग्ज़ाम्स को कैटर करता है। शुरू करते हैं जून के प्रथम सप्ताह का भाग एक वीडियो। इस वीडियो को मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर गौरव गर्ग। StudyIQ के पेन ड्राइव कोर्सेज आते हैं UPSC, SSC, बैंक PO और भी अन्य एग्जाम्स के लिए। इनसे आप घर बैठे वीडियोस के रूप में तैयारी कर सकते हैं। अगर आप हमारा कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर डायल कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे डेली लाइव आता हूं और आपकी क्वेरीज आंसर करता हूं। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है टायरलेस सोल। चलिए शुरू करते हैं। और हर बार की तरह इस बार भी बहुत सारी अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा क्वेश्चंस के साथ साथ। एक बात आपको बता दूं, इस बार जो लॉ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें शानदार प्रदर्शन करा है हमारे स्टूडेंट्स ने। क्लैट रैंक 1 अमन गर्ग की आई है और उन्होंने, आप देख सकते हैं फेसबुक पे जो मेरे लिए टेस्टिमोनियल लिखा है। रैंक 83 हमारा पेनड्राइव स्टूडेंट था, रैंक 2, 3 ये सारे इनके इंटरव्यूज़ अभी हम लेने वाले हैं। तो आप हमारे करंट अफेयर्स पर आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। खैर शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी अभी आधारशिला रखी, फाउंडेशन स्टोन रखा, नींव रखी एक 2400 मेगावाट क्षमता का पतरातू सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये कौन से राज्य में बन रहा है? ये बन रहा है झारखंड में। इसके बारे में ये पता होना चाहिए आपको कि इसमें 74% जो हिस्सा है वो झारखंड की सरकार का है और बचा हुआ 26% NTPC का है। NTPC की एक कंपनी है जिसको बोलते हैं पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, तो उसका है 26%, झारखंड की सरकार का है 74%। झारखंड में एक तो डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक पलामो टाइगर रिजर्व है, बेतला नेशनल पार्क है। ये तीन एग्जाम में काफी आते हैं। और झारखंड के मुख्यमंत्री हैं रघुबर दास। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन करा था अभी अभी अरुण प्रोजेक्ट का। अरुण प्रोजेक्ट जो है ये भारत और नेपाल की सरकार मिलकर बना रहे हैं। और याद रखिए नेपाल में एक ट्रेन चलेगी अभी, एक रक्सौल नाम की जगह है बिहार में, रक्सौल से लेके काठमांडू तक एक ट्रेन भी चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी खड़गा प्रसाद शर्मा ओली जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं उनसे मिलने नेपाल गए थे। और प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी किशन गंगा प्रोजेक्ट जो कश्मीर के बांदीपोर डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, किशन गंगा नदी जो झेलम नदी की सहायक नदी है उसके ऊपर, उसका भी उद्घाटन करा है। किशन गंगा प्रोजेक्ट की क्षमता है 330 मेगावाट। इनमें से कौन सी कंपनी या हमारी शाखा है, इकाई है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कॉमन सर्विस सेंटर SPV जिसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल, इसके साथ एग्रीमेंट साइन करा है, करार करा है? ये जो गांव में उद्यमी बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रोवाइड करेगा। ये है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि SIDBI। और जो SIDBI है इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। SIDBI को SEBI से कंफ्यूज नहीं करना। SEBI है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और SIDBI के जो चेयरमैन हैं वो हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। याद रखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो लोगों को उद्यमी बनाने के लिए काम करती है योजना, वो भी SIDBI चलाता है। इनमें से एक फ्यूचर ऑफ गवर्नेंस यानी कि जो शासन है उसका भविष्य क्या होगा, इस पर एक सम्मेलन हुआ, पैनल डिस्कशन हुआ नई दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता किसने करी? इसकी अध्यक्षता करी BN श्रीकृष्णा ने। याद रखिए BN श्रीकृष्णा कमेटी बनाई थी हमारी सरकार ने, जिससे हम डेटा को प्रोटेक्ट कर सकें। डेटा प्रोटेक्शन आज के टाइम में बहुत बड़ी एक समस्या आ गई है। इनमें से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है? ये इनके 226 साल के इतिहास में पहली बार है कोई महिला बनी है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है स्टेसी कनिंगहैम। और अमेरिका के इतिहास में पहली बार CIA की डायरेक्टर ये भी एक महिला बनी, इनका नाम है जीना हेस्पल। तो ये दोनों ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जीना हेस्पल बनी CIA की डायरेक्टर। जैसे भारत में CBI होता है वैसे ही वहां पे होता है सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जिसे बोलते हैं CIA। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। एलन बान, इनका निधन हो गया, ये कौन थे? ये एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। ये चौथे व्यक्ति थे जो चांद के ऊपर गए, तो ही वॉज अ एस्ट्रोनॉट। 1969 में ये चांद के ऊपर गए थे और ये अपोलो 12 नाम का जो अंतरिक्ष यान है उस पे गए थे। इनमें से कौन सा शहर है जहां पे पांचवा कलिंग साहित्य त्योहार होस्ट किया जाएगा? ये किया जाएगा ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर एक स्मार्ट सिटी भी है। भुवनेश्वर को जो स्मार्ट सिटी बना रहा है वो बना रहा है जर्मनी। ओडिशा की राजधानी है। हॉकी वर्ल्ड कप भी यहां पे खेला जाएगा ओडिशा में। और ओडिशा का जो स्टेट एनिमल है वो है सांबार।
CSTT यानी कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी ने अनाउंस करा है कि वो इनमें से कौन सा शब्द है जिसका एक्रोनिम जब आप किसी बड़े शब्द को छोटा करके लिखते हैं उसको बोलते हैं एक्रोनिम। तो इसका एक्रोनिम ये अपनी इंग्लिश और हिंदी भाषाओं में उसको वैधता देगा, उसको अधिकृत करेगा। ये शब्द है आयुष, और आयुष का मतलब होता है संस्कृत में जीवन, जिंदगी। और सीएसटीटी बना कब था? 1960 में बना था। आयुष में हमारे पांच परंपरागत जो दवाई वाले सिस्टम है वो आते हैं, ए से आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी। चलिए अब आपके लिए आज का पहला सवाल, इंटरनेशनल नर्सेज डे ये फ्लोरेंस नाइटिंगल इनका बर्थडे होता है, इनकी याद में मनाया जाता है, किस दिन होता है इंटरनेशनल नर्सेज डे? कमेंट्स में लिख के बताइए। तीसरा, कोलकाता ओपन इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट अभी अभी किस खिलाड़ी ने जीता है? इनका नाम है श्रीनाथ नारायणन। और आपको बता दूं शतरंज के जो चैंपियन है पूरी दुनिया के इस वक्त वो है मैग्नस कार्लसन, ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। आरएसए क्वार्टरली फ्रॉड रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में भारत में कौन से नंबर में वायरस अटैक होते हैं? भारत कनाडा और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पे भारत में सबसे ज्यादा फिशिंग और मालवेयर अटैक होते हैं। अभी अभी एक वायरस बनाया है पाकिस्तान के हैकर्स ने, जिसको बोलते हैं ग्रेविटी रैट। क्या आप इसमें मुझे यह बता सकते हैं कि रैट की फुल फॉर्म क्या है ग्रेविटी रैट में? देखते हैं कौन बताता है। जो पश्चिमी रेलवे है उन्होंने अभी अभी ई कैटरिंग फैसिलिटी शुरू करी है। ई कैटरिंग नाम से पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक कैटरिंग, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, इस तरह की सुविधाएं इसमें प्रदान की जाएंगी। आप डोमिनोज और हल्दीराम और ये सब कुछ ऑर्डर कर सकते हो, अपनी चॉइस का फूड ऑर्डर कर सकते हो। ई कैटरिंग फैसिलिटी लॉन्च करी IRCTC ने, जिसको बोलते हैं इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, जिनको अभी अभी वित्त मंत्रालय का दर्जा भी दिया गया है, और ये हमारे कोयला मंत्री भी हैं। ये 23 स्टेशन पे इन्होंने स्टार्ट करी है। और रेलवे ने एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करा हुआ है जिसका नाम है प्रोजेक्ट सक्षम में रेलवे जो है अपने 13 लाख एम्प्लॉइज का कौशल विकास कर रहा है, यानी स्किल डेवलपमेंट कर रहा है। हमारे स्किल डेवलपमेंट मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के चेयरमैन एस क्रिस्टोफर ने कहा है कि भारत रुस्तम 2 ड्रोन बना लेगा। कब तक बनाएगा? ये बनाएगा 2020 तक। और अभी अभी एक बात और याद रखिए, भारत की जो आर्मी है उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट मिल गए हैं, जिनका नाम है भाभा कवच। इसको बनाया है BARC ने। BARC बोलते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को, और भाभा कवच का नाम डॉक्टर होमी भाभा के नाम पर रखा गया है, जो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक जिनको कहा जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल गया है पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, ये 2338 करोड़ रुपए की लागत से किस शहर में बना रहे हैं? ये शहर है रायगढ़। तो जगह का नाम रायगढ़ में है, नागोथाने रायगढ़। और रायगढ़ कहां पे है? महाराष्ट्र में। याद रखिए एक छत्तीसगढ़ में रायगढ़ भी है जिसको हम ऐसे लिखते हैं, दोनों में फर्क है। ये रायगढ़ है GARH और ये है GAT, ये छत्तीसगढ़ वाला है और ये महाराष्ट्र वाला है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। गीता कपूर जी का निधन हो गया, ये कौन थी? आपने अगर पाकिजा मूवी देखी हो, पाकिजा में इन्होंने एक्टिंग करी थी, ये बहुत मशहूर एक्ट्रेस थी, सो आंसर है एक्टर। इनमें से कौन सा कंट्री है जो पहला दक्षिण अमेरिकी यानी लैटिन अमेरिकन कंट्री बना है जो नेटो का मेंबर बन गया है? नेटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, अमेरिका और उनके जो एलाइज हैं उन्हें नेटो बोलते हैं, और ये जब वॉर्सो पैक्ट बना था रूस की तरफ से उसको काउंटर करने के लिए नेटो था, मतलब ये दोनों आपस में काउंटर करने के लिए थे। और नेटो जो है इसका पहला साउथ अमेरिकन मेंबर बना है कोलंबिया की जो राजधानी है वो है बगोटा। इनमें से कौन सा जहाज है, मैं रिपीट करता हूं, कौन सा जहाज है भारत का जो अभी अभी वियतनाम गया है? ये जहाज है INS सह्याद्री, कोमोर्ता और शक्ति यानी कि सारे। आपसे दो जहाज और एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखिए आप जानते हैं कि बांग्लादेश में 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान बसे हुए हैं, म्यांमार से अपनी जान बचा के भागे थे और बांग्लादेश में चले गए थे। तो बांग्लादेश में इन 10 लाख जो रोहिंग्या मुसलमान हैं इनका खाना पानी ये सब भारत भेज रहा है, इसे बोलते हैं ऑपरेशन इंसानियत के तहत भारत इनको चावल या जो केरोसिन तेल और जो भी इनको चाहिए खाना बनाने के लिए चीज़ें, खाना वगैरह ये सब भेज रहा है। ऑपरेशन इंसानियत के लिए हमारा जो जहाज गया है सामान लेके वो है INS एरावत, यानी हमारा वो जहाज जो सामान लेके गया है रोहिंग्या मुसलमानों के लिए वो है INS एरावत। और हमारा एक जहाज अभी हमने मालदीव भी भेजा है,
मालदीव भेजा निगरानी करने के लिए यानी पेट्रोलिंग के लिए, उस जहाज का नाम है INS सुमेध, INS सुमेध। और हमारी एक नौका है जिसपे नाविका सागर परिक्रमा किया गया है, उस नौका का नाम है INSV तारिणी। और वर्तिका जोशी लेफ्टिनेंट कमांडर इसकी हेड थी। 6 जाबाज महिलाएं विश्व भ्रमण पर गई थी। कौन सा शहर है जहां पे एक आपात सम्मिट हुआ, इमरजेंसी सम्मिट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन ओवर वायलेंस एट द गाजा बॉर्डर, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन है, इन्होंने गाजा में हुई हिंसा के ऊपर एक आपात बैठक बुलाई, कहां पे हुई है? ये हुई इस्तांबुल में। इस्तांबुल एक टर्की का शहर है, इनफैक्ट टर्की का सबसे प्रसिद्ध शहर है, टर्की की राजधानी है अंकारा। और टर्की के राष्ट्रपति आप देख सकते हैं बीच में खड़े हैं, इनका नाम है रसीप अर्डोगान। और बहुत इंपॉर्टेंट लोग खड़े हैं, ये देखिए ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी खड़े हैं यहाँ पे, और ये सारे जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। कौन सी कंपनी है जिसने नागा यलंका ब्लॉक ऑफ द केजी बेसिन में अपना व्यावसायिक ऑपरेशन खनन वगैरह स्टार्ट कर दिया है? ये कंपनी है ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। और आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट में 51% जो हिस्सा है वो है ONGC का, और बाकी बचा 49% है वेदांता का। वेदांता कंपनी काफी कंट्रोवर्सी में चल रही है क्योंकि तमिलनाडु में एक शहर है टूटीकोरिन, टूटीकोरिन में इनका जो कॉपर स्टरलाइट प्लांट है वो बंद हो गया है। और ONGC के चेयरमैन कौन है? शशि शंकर। जोरावर चांद बख्शी, इनका निधन हो गया, ये भारत की कौन सी सेना में थे? ये आर्मी में थे, आर्मी जनरल थे, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हें महावीर चक्र, वीर चक्र, परम विशिष्ट सेवा मेडल और बहुत सारे मेडल मिले हुए थे। 1965 की जो भारत पाकिस्तान युद्ध था उसमें ये कमांडर थे, बहुत इंपॉर्टेंट। इनमें से ऑल इंडिया जूनियर अंडर 19 टूर्नामेंट हुआ तो गर्ल्स टाइटल किसने जीता, यानी अंडर 19 चैंपियन कौन बनी है? इनका नाम है आकर्षी कश्यप, आकर्षी कश्यप। सुप्रीम कोर्ट, एक बेंच था सुप्रीम कोर्ट का जिन्होंने ये कहा है कि कावेरी मैनेजमेंट स्कीम केंद्र सरकार की, उनको हरी झंडी दिखा दी है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी परमिशन दे दी है। आप ये बताइए कि इस सुप्रीम कोर्ट बेंच के हेड कौन थे? इनके हेड थे भारत के 45वें न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायमूर्ति जस्टिस दीपक मिश्रा। उच्चतम न्यायालय के जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो हैं जस्टिस दीपक मिश्रा। अब तीसरा क्वेश्चन आज का, जस्टिस दीपक मिश्रा के बाद भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेगा? कमेंट्स में लिख के बताइए। इनमें से कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने ग्रेस FO सैटेलाइट स्पेस में छोड़ी? ग्रेस मिशन, ग्रेस मिशन है कि पानी का जो मूवमेंट है ग्रेविटी की वजह से वो सब देखने के लिए, तो स्पेस एजेंसी है ये SpaceX। नासा की तरफ से SpaceX ने ये मिशन करा है। इनका जो रॉकेट है वो है फैल्कन 9। ये अगर पूछें कि मिशन किसका है तो आंसर है नासा का, और कौन सी स्पेस एजेंसी ने लॉन्च करा है तो आंसर है SpaceX। दोनों में फर्क है, SpaceX कंपनी है एलोन मस्क की, एलोन मस्क। हमारे स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा वो अभी अभी 71वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग अटेंड करने गए थे। कहां पे हुई थी ये मीटिंग? ये हुई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर में, यानी जनेवा में। और जो सौम्या स्वामीनाथन है भारतीय, वो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, और इनके डायरेक्टर जनरल है इथोपिया के टेड्रोस अधानोम। कौन सी फिल्म को अभी अभी पाल्म डोर प्राइज मिला कांस फिल्म फेस्टिवल? कांस फिल्म फेस्टिवल होता है फ्रांस में, ये भी याद रखिए। इस फिल्म का नाम है शॉपलिफ्टर। शॉपलिफ्टर कहां की फिल्म है? जापान की फिल्म है। और एक फिल्म अभी अभी और न्यूज में आई थी जिसका नाम था ब्लैक पैंथर। और ये न्यूज में क्यों थी? क्योंकि सऊदी अरब नाम का देश है, वहां पे 35 साल बाद कोई फिल्म दिखाई गई और वो थी ब्लैक पैंथर। और ब्लैक पैंथर सुन के आपको ये भी याद आ जाना चाहिए कि हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने ब्लैक पैंथर नाम की फौज बनाई है छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से निपटने के लिए। ये कुछ और अवार्ड है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला पावेल पावेलोंस्की को, कोल्ड वॉर पोलैंड की फिल्म है। बेस्ट एक्टर मार्सेलो फोंटे, बेस्ट एक्ट्रेस समाल यशलोवा, ग्रां प्री स्पाइक ली, प्री द जूरी नादिन लबाकी और कैमरा डोर लुकास धोंत। लेकिन ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि फिल्म कौन सी थी, तो फिल्म है शॉपलिफ्टर्स। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है हम छू लेंगे आसमान, मुख्यमंत्री कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम, इसका नाम रखा है पहल, पहल। अब कैरियर काउंसलिंग मिलेगी सरकार की तरफ से, ये है मध्य प्रदेश। तो ये यहां के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। आसियान इंडिया फिल्म फेस्टिवल नई दिल्ली में हुआ, इसका उद्घाटन किसने करा? इसका उद्घाटन करा राज्यवर्धन सिंह राठौर ने। इन्होंने 2004 में जो एथेंस ओलंपिक्स हुए थे उसमें सिल्वर मेडल जीता था। इस वक्त ये भारत के खेल मंत्री हैं और भारत के सूचना प्रसारण मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। कौन से फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं जिन्होंने मोनेको ग्रां प्री जीत लिया?
इसको रेडबुल टीम के ड्राइवर हैं, इनका नाम है डेनियल रिकियार्डो। भारत ने सक्सेसफुल परीक्षण करा अभी अभी जो हमारी टेस्ट रेंज है चांदीपुर उड़ीसा में, इनमें से कौन सी मिसाइल का करा है? ये मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है और ये पहली मिसाइल है जिसको हवा, पानी और जमीन तीनों से दागा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्मोस मिसाइल हमने रशिया की मदद से बनाई थी। इसमें ब्रा का मतलब होता है ब्रह्मपुत्रा और मोस का मतलब होता है मोस्क्वा। मोस्क्वा नदी रशिया में बहती है। ब्रह्मपुत्रा नदी आप जानते हैं चाइना से निकलती है और भारत में आती है। कौन सा शहर है जिसने साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क यानी सावन की मीटिंग करी? सावन की मीटिंग अभी अभी हुई कोलकाता में। सावन भूटान में लॉन्च हुआ था 2011 में। सो आंसर है भूटान। भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्पू। भूटान में लॉन्च हुआ था। और ये पूछा बैठक कहां पे हुई थी, तो बैठक हुई थी इसकी अभी अभी कोलकाता में, कोलकाता। हमारा जो रेल मंत्रालय है उन्होंने अनाउंस करा है कि उन्होंने स्पेशली डिजाइंड एरेटर इन द बेसिन टैप फॉर वाटर कंजर्वेशन कौन सी ट्रेन में लगाए हैं? पानी को शुद्ध रखने के लिए ये पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को पूर्ण रखेंगे और प्रचुर रखेंगे एकदम ऑक्सीजन से। एरेटर मतलब जो जो पानी में ऑक्सीजन को बढ़ाता है, जो हवा को लेके आता है, ये इन्होंने लगाए हैं तेजस एक्सप्रेस में, तेजस एक्सप्रेस। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा रेलवे है इन्होंने एक ऑपरेशन स्वर्ण भी चलाया हुआ है जिसमें राजधानी, शताब्दी और जो महंगी ट्रेनें हैं उनमें सर्विसेज अपग्रेड की जा रही हैं, सर्विसेज बढ़ाई जा रही है। इसका नाम है ऑपरेशन स्वर्ण। कौन सी कंपनी है जिसने अपेक्स पार्टनर का पूरा स्टेक खरीद लिया है ग्लोबल लॉजिक नाम की कंपनी में? ये कंपनी है पार्टनर्स ग्रुप और ये 13,000 करोड़ की डील हुई है, तो काफ़ी बड़ा ये मतलब एक वो है एक्विजिशन। कौन से देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे छोटा घर बनाया है? ये 15 माइक्रोमीटर सिर्फ इसकी जो है वो लेंथ है इसकी दीवार की, बहुत ही छोटा घर है ये, और ये बना है अभी अभी फ्रांस में, फ्रांस के वैज्ञानिकों ने। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। इनमें से कौन सी कंपनी या कंपनियां हैं जिन्होंने आपस में मिलकर एक करार करा है, ये आयरन और स्टील को बनाने के लिए एक अनुसंधान केंद्र लगाएंगी जिसकी लागत होगी $26 मिलियन? और ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के साथ मिलकर लगाएंगी जिसका नाम है ECT। तो ये दो कंपनी है, एक तो है NMDC और दूसरी है NLC। तो आंसर है 1 और 2। कौन सी भारत की कंपनी है जो पहली कंपनी बनी है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,00,000 करोड़ पहुंच चुकी है यानी $100 बिलियन से बहुत ज्यादा? ये कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। भारत में सिर्फ 3 ही कंपनी है जिनकी मार्केट वैल्यू $100 बिलियन से ज्यादा है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है मुकेश अंबानी, HDFC बैंक के हैं आदित्य पुरी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टाटा ग्रुप के अंदर आती है और टाटा ग्रुप के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन। इनमें से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? इनका नाम है तपन रे, तपन रे। हमारा जो वित्त मंत्रालय है उन्होंने अभी अभी कितने बिग जॉब क्रिएटर के साथ टाई अप किया है, करार किया है, ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन का विस्तार करेंगे। ये किया है इन्होंने 40 बिग जॉब क्रिएटर्स के साथ, जैसे फ्लिपकार्ट, स्विगी, पतंजलि, बहुत सारे। इनमें से पहले पगड़ी वाली सिख महिला कौन बनी जिनको न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में जगह मिली है? इन्होंने ज्वाइन किया है न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट और इनका नाम है गुरसोच कौर, गुरसोच कौर। हमारी जो फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल, इन्होंने अभी अभी इंक्यूबेशन सेंटर और फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी जहां पे खाने को टेस्ट किया जाएगा ऐसी प्रयोगशाला उसका उद्घाटन करा। कहां पे किया? ये करा इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट सोनीपत में, और सोनीपत हरियाणा में है और सोनीपत में ही बनी है वर्ल्ड डिजाइन यूनिवर्सिटी जो अभी अभी खुली है। UEFA चैंपियंस लीग, ये सबसे बड़ा कंपटीशन होता है फुटबॉल का क्लब लेवल पे यूरोप में। इसको किस टीम ने जीता? ये हुआ था यूक्रेन की राजधानी कीव में, इसको जीता रियल मैड्रिड ने, इन्होंने फाइनल में हराया लिवरपूल को। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जो आप जो होल्डिंग ऑफ सब्सक्राइबर्स 2017-18 के लिए उस पर इंटरेस्ट रेट कितना होगा? ये होगा 8.55%। और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि इन्होंने कहा है आप अपना पेंशन का वो चेक कर सकते हैं पासबुक वगैरह उमंग ऐप के ऊपर। उमंग ऐप को बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसके मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे, वो बच्चे जो गुमशुदा हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं, उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये रोनाल्ड रीगन जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे उन्होंने स्टार्ट करा था 1983 में। ये दिवस है 25 मई। भारत की कौन सी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने UN एनवायरमेंट के साथ मिलकर करार करा है?
ये अपना एनवायरमेंट इम्पैक्ट को कम करेंगे यानी प्रदूषण कम करेंगे। ये है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि BCCI। इनमें से एक सम्मेलन हुआ अभी अभी जिसका थीम था एयर सुपरियोरिटी एज अ ब्रिज टू रीजनल स्टेबिलिटी, यानी वो देश जिसकी हवाई शक्ति बहुत मजबूत होती है वो स्टेबल रहता है। इसको किसने अटेंड किया? ये इसराइल में हुआ था। इसको अटेंड करा हमारे एयरफोर्स चीफ जिनका नाम है बी एस धनोआ। इसराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। मार्क रुट, इन्होंने लॉन्च करा है क्लीन एयर इंडिया इनिशिएटिव नई दिल्ली में। ये कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं? ये नेदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं, नेदरलैंड। और मैं आपको यहीं पे बताना चाहूंगा कि फिनलैंड और अमेरिका के साथ मिलके भारत एक नया पॉल्यूशन को जो बताता है, एस्टिमेट करता है, वो सिस्टम बना रहा है। अभी जो सिस्टम हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं सफर। वैज्ञानिकों ने यह खोज करी है कि पहला इंटरस्टीलर इमिग्रेंट हमारे सोलर सिस्टम में खोज लिया गया है। इस एस्टेरॉयड का नाम है 2015 BZ509। ये कौन से ग्रह की परिक्रमा कर रहा था? ये जुपिटर की परिक्रमा कर रहा था। इनमें से प्रगति के तहत 26वीं बैठक इनकी कहां हुई, किसने अटेंड किया? प्रगति जिसको बोलते हैं प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, जिसको बोलते हैं प्रगति, इसको चेयर किया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कौन से फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनको बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने सम्मानित करा साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड देके? इनका नाम है सुनील छेत्री। एक हमारे पुराने खिलाड़ी थे बैचुंग भूटिया, इन्होंने सिक्किम में अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली है जिसका नाम है हमरो सिक्किम। वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे, ये किस दिन मनाया गया? थायराइड की बीमारी आप जानते हैं काफी डेंजरस होता है, ये मनाया गया 25 मई को। वर्ल्ड टर्टल डे किस दिन मनाया गया? कछुओं के लिए जो दिवस होता है, कछुओं के लिए ये दिवस अभी सेलिब्रेट किया गया 23 मई को, 23 मई। कौन सा राज्य है जिन्होंने अपना 31वां स्थापना दिवस मनाया 30 मई को? ये मनाया गोवा ने। ये फोटो में जो देख रहे हो ये है गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर। 1987 को गोवा को मिला था मई 30 को स्टेटहुड। एफ्रो एशिया बैंक ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू के हिसाब से दुनिया के सबसे अमीर देशों में भारत का क्या स्थान है? भारत का स्थान है छठा। सबसे अमीर देश है दुनिया का अमेरिका, दूसरे नंबर पे है चाइना। भारतीय नेवी ने अभी अभी एक जहाज उससे कार्य लेना शुरू करा है, उसको कमीशन करा है, INLCU L54। कहां पे रखा है इन्होंने? ये रखा है इन्होंने पोर्ट ब्लेयर में। और भारतीय जो नेवी है, भारतीय मिलिट्री ओवरऑल, उन्हें इंडोनेशिया ने अभी सबांग पोर्ट दिया है। सबांग पोर्ट पे भारत अपनी मिलिट्री रख सकता है। कौन सी टीम है जिन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग जीत लिया? ये तो बड़ा आसान सवाल हो गया क्योंकि सब क्रिकेट के फैन है, सबको पता ही होगा, चेन्नई सुपर किंग ने जीता है ये, चेन्नई सुपर किंग। और ये है इंपॉर्टेंट चीजें जो याद रखनी है। एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, उभरता सितारा ऋषभ पंत, फेयर प्ले अवार्ड मुंबई इंडियंस को मिला। कैच ऑफ द टूर्नामेंट मिला ट्रेंट बोल्ट को, इन्होंने विराट कोहली की कैच पकड़ी थी, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो यूट्यूब पे देख लेना। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन सुनील नारिन को मिला, जिसे बोलते हैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, मैन ऑफ द सीरीज जिसे बोलते हैं। स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द ईयर ऋषभ पंत, इनोवेटिव थिंकिंग एमएस धोनी, पर्पल कैप मिली एंड्रू टाय को सब ज्यादा विकेट लेने के लिए, ऑरेंज कैप मिली सब ज्यादा रन बनाने के लिए केन विलियमसन को, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड अगेन सुनील नारिन। इनमें से जो हमारे तेल और गैस के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने अभी आधारशिला रखी। जो भारत पेट्रोलियम है वो 103 करोड़ रुपए की लागत से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का बॉटलिंग प्लांट बना रहा है उड़ीसा में। उड़ीसा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में बना रहा है? ये बना रहा है उड़ीसा के बोलनगिर। और बोलनगिर डिस्ट्रिक्ट में कहां पे? तो जगह है बरखनी। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC ने अप्रूव करे हैं कई सारे कदम जिससे हम डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन हैं निर्मला सीतारमन, जो हमारी रक्षा मंत्री हैं। डॉक्टर हेमू अधिकारी का निधन हो गया। ये कौन से डॉक्टर थे? ये बेसिकली कौन थे? ये डॉक्टर नहीं थे एक्चुअली, ये डॉक्टर नाम के आगे लगा रहे हैं, वैसे ये एक्टर थे। तो एक्टर थे ये, और इन्होंने लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म में भी काम किया था। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने टाई अप करा है सरकार के साथ, ये छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित जो एरिया हैं उनमें विकास करेगी? ये है टाटा ट्रस्ट। और छत्तीसगढ़ में बहुत सारे नक्सल अफेक्टेड एरिया हैं, दंतेवाड़ा है, बस्तर है, जगदलपुर है, नारायणपुर है और इत्यादि।
गोविंद लाल वोरा का निधन हो गया। कौन थे ये? ये छत्तीसगढ़ के पत्रकार थे। सो आंसर है ही वॉज अ जर्नलिस्ट। इनमें से कौन सा विभाग है भारत का, कौन सी शाखा है जिन्होंने एक मल्टीलिंगुअल मोबाइल ऐप बनाई है, मल्टीलिंगुअल जिसमें अगर जिसमें कोई लोग शेयर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, अगर कोई गबन करता है पैसों का तो उसका सबूत इस ऐप के ऊपर वो कर सकते हैं और ये कई भाषाओं में अवेलेबल होगी। ये बनाई है अभी अभी इलेक्शन कमीशन ने। अगर कोई भी मेल प्रैक्टिस होती है तो फिर इलेक्शन कमीशन पे आप ये कर सकते हो। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ओपी रावत। कौन सा राज्य है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का पहला और भारत का तीसरा राज्य बन गया है जहां पे सौर ऊर्जा से चलने वाले टॉयलेट बने हैं? ये है मणिपुर। मणिपुर जिसके मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह, और मणिपुर की खिलाड़ी भी हैं दो, मैरी कॉम है एक तो और एक है चानू, मीराबाई चानू। खैर मणिपुर का जो स्टेट एनिमल है वो है संगई। और याद रखिए गुवाहाटी अभी भारत का पहला शहर बना है जो जिसका रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा से चल रहा है। और दीव जो हमारी यूनियन टेरिटरी है दमन दीव, उसकी राजधानी दीव, ये भारत का पहला शहर है जो दिन के वक्त रिन्यूएबल एनर्जी से चल रहा है पूरा। तो गुवाहाटी का रेलवे स्टेशन और दीव शहर का पूरा बिजली। कौन सी ओजोन होल में, ओजोन मतलब जो लेयर होता है हमारा, ओजोन में छेद करने वाली गैस, ओजोन डिप्लीटिंग गैस काफ़ी बढ़ रही है साइंटिस्ट ने कहा है, ये है ट्राई क्लोरोफ्लोरोमीथेन यानी CFC-11 बोलते हैं इसे। ओजोन में जो छेद हो जाता है ओजोन होल, उसको हम नापते हैं डॉब्सन यूनिट, और ओजोन को लिखते हैं O3। कौन सा बैंक है जिसने एक शेयर्ड सर्विस सेंटर में अपनी सारी जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं उनको एक ही जगह कंसोलिडेट कर दिया है गिफ्ट सिटी गुजरात में? ऐसा करने वाला बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की चेयरपर्सन कौन बनी है? इनका नाम है दीप्ति उमाशंकर। कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने MOU साइन करा है, ये प्रोटोटाइप बनाएगा सेल्फ पायलटेड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट यानी स्वचलित खुद ही उड़ान भरने वाले और फिर वापस लैंड करने वाले एयरक्राफ्ट बनाएगा? ये है IIT कानपुर। कानपुर अभी भी न्यूज में आया था, कानपुर का रेलवे स्टेशन भारत में सबसे क्या बोलते हैं उसे प्रदूषित है, डर्टी है, और कानपुर की हवा सबसे विषैली है WHO के हिसाब से। इनमें से कितना फार्म लोन वेवर नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC राजस्थान को दे रहा है? ये होगा 5,000 करोड़ की छूट, ग्रांट बोलते हैं, अनुदान बोलते हैं जिसे, और यहाँ की मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे। मडाला रंगा राव का निधन हो गया, ये कौन थे? ये तेलुगु एक्टर थे, तेलुगु, याद रखिए तेलुगु दो जगह बोली जाती है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अभी अभी राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन करा, आपको ये बताना है ये कहाँ पे किया? ये इन्होंने किया टिहरी में, टिहरी फेमस है, यहाँ पे टिहरी डैम भी है। और इन्होंने अभी अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने जो रिस्पाना नदी है उसके आसपास पेड़ लगाने का उद्घाटन भी किया था। केंद्र सरकार ने इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड का जो अधिनियम है अध्यादेश के थ्रू उसमें कुछ बदलाव करे हैं, अमेंडमेंट करे हैं, संशोधन करे हैं, इसके लिए कमेटी बनी थी। इस कमेटी का नाम क्या था? ये कमेटी थी इंजेती श्रीनिवास कमेटी। कौन सा शहर है जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स को होस्ट करेगा? पिछले साल खेलो इंडिया गेम्स स्टार्ट हुए थे, इनका जो पहला अध्याय था वो जीता था हरियाणा ने। ये U17 के लिए है, बच्चों के लिए है बेसिकली, सो ये बेंगलुरु में खेले जाएंगे खेलो इंडिया। साद अल हरीरी ये कौन से देश के प्रधानमंत्री इलेक्ट हुए हैं? ये हुए हैं लेबनन के, तीसरी बार लगातार, और लेबनन की राजधानी है बेरूत। प्रधानमंत्री मोदी इन्होंने अभी अभी 27,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट कौन से राज्य के लिए रखे हैं? ये राज्य है झारखंड के लिए रखे हैं, और सिंदरी धनबाद वगैरह कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड का, वहाँ पे पतरातू पावर प्लांट बनेगा, सिंदरी फर्टिलाइजर जो कंपनी है उसको दोबारा शुरू किया जाएगा। याद रखिए झारखंड में देवगढ़ में बनेगा नया एम्स, देवगढ़ में एम्स बनेगा। तो ये सब कुछ इन पे 27,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कौन सा बैंक है जिसको अपने पैनल में रख लिया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सेटलमेंट बैंक के तौर पर, नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन के लिए? ये बैंक है येस बैंक, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है राणा कपूर। कौन सा मोबाइल वॉलेट है जिसने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया है अपना ही वर्चुअल पेमेंट एड्रेस हैंडल के थ्रू, जिसे बोलते हैं VPA हैंडल? ये है मोबी क्विक, और इसके जो CEO हैं वो हैं बिपिन प्रीत सिंह। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना सबसे ज्यादा लॉस दिखाया ये जनवरी से मार्च 2018, कितना लॉस हुआ इन्हें 3 महीने में? इन्हें लॉस हुआ 7,718 करोड़ रुपए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं रजनीश कुमार।
अभी अभी एक एडवर्टाइज लॉन्च हुई है ट्विन पिट टॉयलेट टेक्नोलॉजी स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण लॉन्च करने के लिए। ये इसमें एक्टर कौन है? इसमें है अक्षय कुमार। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अनाउंस करा है कि जो भी पैरामिलिट्री के जवान हैं अगर वो उनकी शहादत होती है तो उन्हें इतने से कम रुपया नहीं दिया जाएगा, कम से कम 1 करोड़ रुपया मिलेगा हर पैरामिलिट्री जवान को जो शहीद होता है। कौन से राज्य की कैबिनेट है, विधान जो विधायक हैं, विधायक दल, उन्होंने एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम अप्रूव करी है किसानों के लिए 5 लाख रुपए की। ये LIC इसकी नोडल एजेंसी होगी, इसको इम्प्लीमेंट करेगी। ये करा है अभी तेलंगाना। इनमें से पहला भारत का फुटबॉल क्लब कौन सा बना है जो यूरोप में, अब इन्होंने यूरोप में CD ओलंपिक द सटीवा को एक्वायर करके अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, यानी अपना विस्तार देश के बाहर भी कर रहा है। ये है सुडेवा फुटबॉल क्लब। भारत ने अभी अभी 2 मिलियन बैरल UAE क्रूड ऑयल रिसीव करा है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के थ्रू। मैंगलोर में भारत ने एग्रीमेंट करा है एडनोक के साथ। कितना पेट्रोल भारत स्टोर करके रखेगा? भारत 5.86 मिलियन बैरल स्टोर करके रखेगा, और ये 3 जगह पे स्टोर करेगा भारत, मैंगलोर में, विशाखापट्टनम में और पाडुर में। इनमें से कौन सी चीज हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अनिवार्य कर दी है? अगर आपको कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंस चाहिए, आपको आधार चाहिए और पैन चाहिए, ये दोनों अनिवार्य हैं। इनमें से सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के जो चेयरमैन हैं उन्हें 1 साल की एक्सटेंशन मिल गई है। क्या नाम है इनका? आयकर विभाग के चेयरमैन है सुशील चंद्र। इसके चेयरमैन बने हैं अभी अभी मिस्टर रमेश चंद मीना। हमारे ट्राइबल अफेयर मंत्री हैं जुआल ओरम। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के लिए राजदूत किसे बनाया है? इनका नाम है हैरी हैरिस। दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो है मून जाए इन। इनमें से कौन सी भारत की ई लॉजिस्टिक कंपनी है ये दुनिया का पहला डिजिटल फ्रीट कॉरिडोर बना रही है? ये कंपनी है कोगो पोर्ट। इनमें से मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन बने हैं? इनका नाम है फिरोज भक्त अहमद। नेस्कॉम यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज ने डिजिटल कोलैबोरेटिव अपॉर्चुनिटीज प्लाजा बनाया है अभी। ये प्लेटफॉर्म कौन से देश में बनाया है नेस्कॉम ने? ये बना है गुयांग में, और गुयांग है चीन में, चाइना में। इनमें से कौन सी महिला है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया एक नया? ये एकमात्र महिला है जिन्होंने एक ही सीजन में दुनिया के 3 सबसे ऊंचे पहाड़ों का पर्वतारोहण करा है, चढ़ाई करी है। ये नेपाल की हैं और इनका नाम है नीमा जंगमू। अभी मुझे कमेंट्स में ये लिख के बताइए कि हिसार की वो कौन सी लड़की है भारत की जो सबसे कम उम्र की लड़की बनी है माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली सिर्फ 1 ही महीने पहले। कौन सा मंत्रालय है जिसने MOU साइन करा है अलिम्को के साथ वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए? ये कौन सा मंत्रालय है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कौन से कंट्री की महिला बैडमिंटन टीम है जिन्होंने ऊबर कप जीत लिया जो बैंकॉक में हुआ था? इसको जीता जापान ने। हमारे IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उद्घाटन करा नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर के 4th नेशनल डेटा सेंटर का। ये 4th सेंटर कहाँ बना है? इससे पहले दिल्ली, हैदराबाद और पुणे में बन चुके हैं 3, और 4th अभी अभी बना है भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। अमेरिका ने इनमें से कौन से देश को कहा है कि वो RIMPAC यानी जो रिम ऑफ द पैसिफिक मैरीटाइम एक्सरसाइज है उसमें भाग नहीं ले सकता? ये चाइना को इन्होंने बाहर निकाल दिया इस एक्सरसाइज से अमेरिका ने। मिया अमोर मोटले ये कौन से देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बनी है बारबेडोस की राजधानी है ब्रिज टाउन, ये वेस्ट इंडीज में आता है। हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने समग्र शिक्षा प्रोग्राम लॉन्च करा है। आपको बताना है ये कौन कौन सी जो स्कीम है उनको खा जाएगा, मतलब उनको सब्स्यूम कर लेगा, उनको रिप्लेस कर लेगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान, आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सबको सब इसमें समा जाएंगी। अब 15वां जो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन, उन्होंने एक हाई लेवल ग्रुप बनाया है हेल्थ सेक्टर जो है उसके विस्तार के लिए। हम भारत में हेल्थ सेक्टर को अच्छा कैसे कर सकते हैं, ये पैनल, इसको हेड कौन करेगा? इसको हेड करेंगे एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया। भारत के जेवलिन फेंकने वाले जो खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, इन्होंने कौन से नंबर पर फिनिश करा यूजिन लेग ऑफ डायमंड लेग सीरीज में? इन्होंने 6th नंबर पर फिनिश किया, 6th। पहले नंबर पर कौन रहा? ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थॉमस रोहलर, ये 1st नंबर पर है। कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने वाराणसी में
जो बुनकर आर्टिजन और वीवर वगैरह हैं उनके लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करी है। ये करी है उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन और इस ऐप का नाम रखा है UPID। किसने नारी शक्ति पुरस्कार अभी अभी दिए INSV तारिणी की टीम को? ये दिए मनेका गांधी ने। मनेका गांधी INSV तारिणी की जो 6 ऑफिसर्स हैं उनको ये अवार्ड मिले। मंसूर अहमद का निधन हो गया, ये कौन से देश के हॉकी खिलाड़ी थे? ये पाकिस्तान के हॉकी खिलाड़ी थे, पाकिस्तान के। बर्नार्ड लुईस का निधन हो गया, ये कौन थे? ये इतिहासकार थे, ही वॉज अ हिस्टोरियन, वेरी फेमस। कलासला बाबू का निधन हो गया, ये कौन थे? ये मलयाली फिल्मों के एक्टर थे, मलयालम केरल की भाषा है। भारत रेलवेज और रेलटेल कॉरपोरेशन ने मिलकर एक MOU साइन करा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इन्होंने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जो टारगेट रखा है उसके लिए इन्होंने MOU साइन करा है। कितना पैसा इन्होंने प्रोजेक्ट करा है कि इनका रेवेन्यू अर्न होगा ऑपरेशन से? इनका रेवेन्यू अर्न होगा 1200 करोड़। प्रधानमंत्री मोदी ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करा, ये भारत का पहला स्मार्ट और ग्रीन हाईवे है। कहां पे? ये है बागपत उत्तर प्रदेश में, बागपत उत्तर प्रदेश। और इन्होंने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का भी पहला चरण उसका उद्घाटन करा। ये इनके बारे में डिटेल है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बन रहा है 11000 करोड़ की लागत से और सोलर प्लांट वगैरह भी लगाए जाएंगे इसके लिए। और दूसरा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, ये बन रहा है 4975 करोड़ रुपए की लागत से। ICC क्रिकेट कमेटी ने वुमेन्स क्रिकेट रिप्रेजेंटेटिव किसे अपॉइंट किया है? इनका नाम है बेलिंडा क्लार्क। ICC का हेडक्वार्टर है दुबई में। कौन से यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक है जिन्होंने एक ड्रग बनाई है, एक दवाई बनाई है जिसका नाम है PLX5622? ये हमारे दिमाग को खत्म होने से रोक सकती है। कई बार हमारा दिमाग जो हार्मफुल तरंगे होती हैं उनसे खत्म हो सकता है, डैमेज हो सकता है, ये उसको रोकेंगी ये केमिकल, ये दवाई। ये बनाई है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को के वैज्ञानिकों ने। कौन सा बैंक है जिसने कुछ इनोवेशन लैब बनाई है अभी अभी डिजिटल सॉल्यूशंस के लिए? एक मुंबई में बनाई है, एक हैदराबाद में। ये बनाई है ICICI बैंक ने, इसकी प्रेसिडेंट है चंदा कोचर। डायनामिक स्कीम एंड प्रोजेक्ट को लेके एक फोटो एग्जीबिशन हुआ, प्रदर्शनी हुई प्रगति के पथ पर, इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन करा हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन विजय गोयल, ये पहले खेल मंत्री भी थे। जिव्या सोमा माशे का निधन हो गया, ये कौन थी, ये कौन थे मतलब, ये एक आर्टिस्ट थे, ये महाराष्ट्र से थे, पद्मश्री इन्हें मिला हुआ था। और ये वर्ली ट्राइबल आर्ट होती है, एक वर्ली ट्राइबल आर्ट, उससे एसोसिएटेड थे। सो आंसर है ही वॉज अ आर्टिस्ट। उड़ीसा के गवर्नर कौन बने हैं? इनका नाम है गणेशी लाल, ये उड़ीसा के गवर्नर बने हैं। और एक बात और याद रखिए, मिजोरम के गवर्नर नए बने हैं, उनका नाम है कुम्मा नाम राजशेखरन, कुम्मा नाम राजशेखरन। मिजोरम इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस की सरकार है यहाँ पे, कांग्रेस की सरकार सिर्फ पंजाब, मिजोरम और कर्नाटक में गठबंधन के तौर पे बची है। इसके अलावा मिजोरम के पहले थे लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा, उनको रिप्लेस करा है कुम्मा नाम राजशेखरन ने। और गणेशी लाल बने हैं उड़ीसा के। कौन सी भारत की चैरिटी है जिसको अवार्ड मिला एशिया वॉइस चैरिटी अवार्ड जो लंदन में हुए थे? इसका नाम है जागृति यात्रा, जागृति यात्रा। हमारे जो डिफेंस में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं रक्षा मंत्रालय में सुभाष भामरे, इन्होंने कौन से कंट्री को ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल देने का निर्णय लिया है लगभग 7 लाख अमेरिकी डॉलर की वैल्यू के? ये है नाउरू, ये एक आइलैंड कंट्री है नाउरू। कौन सी पोजिशन पे भारतीय जो महिला टीम है उन्होंने आर्चरी वर्ल्ड कप के द्वितीय चरण में फिनिश करा? अंताल्या टर्की में चल रही है ये, भारत की टीम ने फिनिश करा सेकंड नंबर पे, सेकंड। इनमें से बायोडायवर्सिटी अवार्ड कौन से कम्युनिटी रिजर्व को मिला है? ये है सिंगचुंग बुगुन कम्युनिटी रिजर्व, सिंगचुंग बुगुन कम्युनिटी रिजर्व, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अरुणाचल प्रदेश में है, वेस्ट कामांग डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर एक ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये उसके बिल्कुल बगल में है। कौन से राज्य की सरकार ने प्राकृतिक खेती कौशल किसान योजना शुरू करी है जिससे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हो सके? ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। पाकिस्तान में आम चुनाव होने वाले हैं, तब तक वहां के प्रधानमंत्री कौन रहेंगे? पाकिस्तान का इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है अभी अभी नासिर उल मुल्क को, नासिर उल मुल्क। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स असेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए एक्टिवेट कर दिए हैं जिससे इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग आप कर सकें, ऑनलाइन फाइलिंग कर सकें। कितने फॉर्म्स हैं टोटल? टोटल हैं 7 ITR फॉर्म्स। और आज का आखिरी सवाल, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन प्रॉमिसिंग लिस्ट आउटडोर हॉकी एम्पायर किसे प्रमोट किया गया है? भारत के मतलब कौन से हॉकी एम्पायर है नए?
इनका नाम है दीपक जोशी और ये कहां से हैं? ये हल्द्वानी उत्तराखंड से हैं। सो ये था नए महीने का सबसे पहला मेरा वीडियो। आपको कैसा लगा ये वीडियो? जून के फर्स्ट वीक पार्ट वन, और जो पार्ट टू होगा वो बहुत जल्दी आएगा। और हर हफ्ते दो वीडियो मिनिमम आते हैं और पहले हफ्ते में तीन वीडियो आते हैं। सो देखते रहिए स्टडी आई क्यू और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। और जाने से पहले याद दिला दूँ हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज के बारे में। हमारे जो पेन ड्राइव कोर्सेज हैं इन सारे एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है। अगर आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो studyiq.com विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।